एलिगोनी भड़क गए रूबीना के फैंस पर। अपने फैंस को बचाने के लिए रूबीना को खुद कूदना पड़ा मैदान में। क्या है पूरी बात, चलिए हम आपको बताते हैं। एली जैस्मिन और टोनी कक्कर का आज एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है, जिसे एली और जैस्मिन के फैंस ने कुछ ही घंटों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी बना दिया है। इसी म्यूजिक वीडियो को डिसलाइक करने की मुहिम शुरू करने वाले थे रूबीना दिलाइक के फैंस, और ऐसा ही एक पोस्ट रूबीना दिलाइक के एक फैन ने शेयर भी कर दिया था। इसी पोस्ट पर बीते दिन एलिगोनी भड़क गए थे और उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि एक म्यूजिक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और काफी लोगों की मेहनत लगती है। साथ ही एलिगोनी ने अपने फैंस से ये गुहार भी लगाई थी कि वो ऐसा कभी भी किसी के भी वीडियो के साथ ना करें। जिसके बाद एलिगोनी अपने फैंस के हीरो बन गए थे। वहीं पर सोशल मीडिया पर एलिगोनी को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा था। आज जब एलिगोनी, जैस्मिन और टोनी कक्कर का ये म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है, तब रूबीना दिलाइक ने अपने इंस्टा पर उनके पोस्टर का एक स्टोरी शेयर कर दिया है और एली को टैग भी कर दिया है। रूबीना एली के फैंस तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हैं कि वो भी एली के साथ हैं। हम आपको बता दें कि रूबीना ने एली को तो टैग किया, पर जैस्मिन भसीन को टैग नहीं किया है उस पोस्ट में। खैर जो भी है, बिग बॉस के घर में तो रूबीना एलिगोनी को अपना भाई मानती थी, वहीं पर एलिगोनी भी रूबीना को अपनी बहन मानते थे। बिग बॉस के घर का झगड़ा जो घर के बाहर नजर आ रहा है, वहीं बिग बॉस के घर के रिश्ते भी घर के बाहर अब खुलकर नजर आने लगे हैं। आपका क्या मानना है रूबीना दिलाइक के इस एक्शन को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। टीवी जगत के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।